नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दा तो है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज बात शिवराज के स्वराज मंत्र की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मूड में चल रहे हैं, सीधे जनता से फीडबैक लेकर अफसरों की क्लास ले रहे हैं। अब उन्होंने मंत्रियों के कान में भी स्वराज मंत्र फूंके हैं। उनसे कहा है, पब्लिक के बीच जाओ, जिलों में समीक्षा करो और संगठन से समन्वय बनाओ। आखिर CM और भाजपा संगठन को बार बार मंत्रियों को क्यों हिदायत देना पड़ रही है? क्या सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं बन पा रहा है? क्या नए मंत्री अब तक कार्यकर्ताओं में अपनी स्वीकार्यता नहीं बना पाए? तो क्या प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और CM की नसीहतों का कोई असर नहीं हुआ? चर्चा में इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। शिवराज का स्वराज मंत्र, मंत्रियों को सौंपी जिम्मेदारी, मंत्री बनाएंगे संगठन से समन्वय, अफसरशाही पर भी लगेगी लगाम, अपने अपने क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे माननीय, उपचुनाव को लेकर BJP की रणनीति। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर BJP एक्टिव मोड में आ गई है। वही CM शिवराज सिंह चौहान भी अब चुनावी मोड में दिखाई दे रहे हैं। प्रशासनिक कसावट के बाद CM ने अब माननीयों को जिम्मेदारी सौंप दी है। शुक्रवार देर शाम CM आवास पर मंत्रियों की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें मंत्रियों को चुनावी क्षेत्रों की अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। CM शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव के लिए 14 अलग अलग कमेटियां बनाई हैं। हर कमेटी में 3-3 मंत्रियों को रखा गया है। इसके साथ ही इस बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को संगठन से समन्वय बनाने को लेकर भी हिदायत दी है। सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 7 अक्टूबर तक सुराज और सुशासन कार्यक्रमों को चलाया जाएगा, जिसमें सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। CM के इस बैठक को BJP के कोर ग्रुप की बैठक से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें पार्टी की कमियों को दूर करने और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने को लेकर चर्चा की गई थी। भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत संगठन है, लगातार काम करता है और संगठन के ही कार्यकर्ता सरकार में है, तो सरकार लगातार काम करे, दृढ़ता के साथ काम करे, अपने एजेंडा पे काम करे, ये लगातार प्रयास होते हैं। चुनाव तो बीच का पड़ाव है, उपचुनाव भी बीच का पड़ाव है। हमारी तो अनवरत धारा बहती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम कार्यकर्ता लगातार लगे थे। सूत्रों के मुताबिक कोर ग्रुप की बैठक में ये बात भी सामने आई थी कि कुछ मंत्री संगठन के साथ समन्वय बनाकर काम नहीं कर रहे। इसी दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के भोपाल स्थित आवास में BJP कार्यकर्ताओं के साथ स्टाफ ने ठीक तरीके से व्यवहार नहीं करने का भी मामला सामने आ चुका है, जिसको लेकर कांग्रेस भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं, मीडिया में हो या आम चर्चा हो या सोशल मीडिया में हो, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो बॉडी लैंग्वेज है, आप देख सकते हैं कितनी घबराहट उनके अंदर है। तो वो ये चाहते हैं कि मैं सक्रिय रहूं, मैं कुछ ना कुछ करता रहूं। ये सक्रियता दर्शाने की कोशिश पार्टी हाईकमान और बड़े नेताओं को करने की कोशिश है। कुल मिलाकर के ये है कि सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कुर्सी मुझे तो खतरे में नजर आती है। जितने दिनों के वो मेहमान है, वो सक्रिय होकर शहीद होना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। CM शिवराज सिंह चौहान अपने स्वराज मंत्र के जरिए न केवल उपचुनाव बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव को भी साधने की कवायद में है। मंत्रियों की बैठक से पहले CM शिवराज सिंह अफसरों को फटकार लगा चुके हैं और अब प्रदेश में अफसरशाही को प्रभावी बनाने के लिए मंत्रियों की कसावट की जा रही है, जिससे सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के लोगों तक पहुँच पाए। प्रदेश भर में बनाई गई मंत्रियों की कमेटी सभी स्तर के कामों पर नजर रखेगी। इसके साथ ही लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर भी लगाम कसने का काम किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि CM शिवराज के स्वराज मंत्र का कितना असर मंत्रियों पर होगा और चुनाव के नतीजों पर उसका कितना प्रभाव पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाद TV, भोपाल। We'll be right back.
शिवराज के क्या स्वराज मंत्र है और बार बार ये मंत्र देने की क्यों जरूरत पड़ती है। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रवक्ता दिव्या गुप्ता, कांग्रेस से अमित तांबरे और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दिव्या जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ ये दिखाने के लिए सक्रियता है, शहीद होने की तैयारी है, इसलिए दिखा रहे हैं सक्रियता। सक्रियता का वगैरह कुछ नहीं है, कुछ ठीक नहीं चल रहा आपकी पार्टी में। और दूसरी बात, सवाल उनके साथ साथ मेरा भी ये है कि क्यों बार बार कहना पड़ता है कि समन्वय बना के काम कीजिए संगठन से, जिलों में जाइए। प्रभारी कह के गए हैं, जब प्रदेश प्रभारी मुरलीधर आप, तो इसके बावजूद तो सीएम को कहने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मंत्री सुन नहीं रहे। और जो नए मंत्री आए हैं दूसरे दल से, वो लगता है आपके कार्यकर्ताओं से समन्वय नहीं बना पा रहे हैं, उनकी स्वीकारता नहीं हो पा रही है कि ये बहुत ही एक संवेदनशील मामला है जिसमें कहीं आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन जरूर है। कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि ये देखिए, जो प्रदेश का मुखिया होता है, जैसे एक परिवार का मुखिया होता है, वो बार बार एक अगर एक बात को दोहराता है, मान लीजिए आपको अगर दोहरानी पड़ती, भाई तुम रास्ते में जाना, ठीक से जाना, अपना काम अच्छे से कर लेना, जाते ही फोन जरूर कर देना, वगैरह वगैरह, इस तरह के इंस्ट्रक्शन हमारे घर के मुखिया जब हम घर से बाहर निकले तो कितनी बार देते हैं। तो उसका अगर रिपीटेड अगर हो रहा है परफॉर्मेंस, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो चिंतित है, इसका मतलब ये है कि वो संवेदनशील है, इसका मतलब ये है कि उस कार्य को सुचारू रूप से करने कहने के लिए वो प्रतिबद्ध है और वो करवाना चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि ये संगठन और सत्ता में समन्वय नहीं है, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। और यदि कांग्रेस कह रही है तो उसके लिए तो बहुत ही विचित्र बात है, क्योंकि न संगठन देखा उन्होंने और सत्ता और संगठन का समन्वय तो मुझे लगता नहीं उन्होंने कभी जाना भी होगा कि क्या होता है, क्योंकि संगठन की जो संरचना भारतीय जनता पार्टी की है उसका मुकाबला कांग्रेस कभी नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास उस तरह का संगठन है ही नहीं और उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जो संगठन की एकता है, एकजुटता है, एक विचारों का जो एक प्रतिपादन है, वो जो भारतीय जनता पार्टी में है वो कांग्रेस में कहीं नहीं है। वो लोग सब अपने अपने गुटों में बटी हुई अपनी अपनी राजनीति करने वाले लोग हैं। तीसरी बात ये कि शिवराज जी अगर अफसरों के बारे में या मंत्रियों के बारे में जो बार बार चिंता व्यक्त कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि आपने एक शायद बहुत पहले एक साउथ की पिक्चर आई थी नायक, जिसमें हम सोचते थे कि वो जो मुख्यमंत्री था वो कैसे ऐसे फटाफट एक दिन में इतने बढ़िया सारे काम कर सकता था, किस तरह से सुचारू रूप से होता था। ये फिल्मों की बात है, ये ऐसा नहीं होता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम उस नायक की तरह आज जननायक बन के वो काम करने में लग गए हैं, जुटे हुए हैं और सतत प्रयास करने में लगे हुए हैं, तो इस बात की तो बहुत प्रशंसा होनी चाहिए और बहुत भूरी भूरी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन दिव्या जी, नायक ही नहीं, जननायक जो लोगों के बीच में जाके काम, नायक ही बनमैन आर्मी था, तो यहाँ भी क्या बनमैन आर्मी है शिवराज जी, बाकी कोई नहीं उनकी टीम। अरे क्या भरपूर टीम है साहब, भरपूर टीम है, जो सब जहां जहां बैठे वहां वहां अपना अभूतपूर्व काम करने में लगे हुए हैं। जिस तरह का काम हो रहा है वो बहुत अच्छा काम हो रहा है, और अगर नायक वहां जाके अगर मंत्रियों को गुहार अफसरों को गुहार कर रहे हैं कि ये काम क्यों नहीं हुआ, किस लिए नहीं हुआ, तुरंत करिए, हमेशा करते रहिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फ्रंट फुट पर आके कोई मुख्यमंत्री खेलता है, इस बात की तो बहुत तारीफ होनी चाहिए। लेकिन दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं कि यदि अब तक प्रशासनिक रूप से सक्षम नहीं हुए हैं और अब भी अफसरशाही को सड़क पर आकर मंच से फटकारना पड़ रहा है, तो फिर तो मुख्यमंत्री पद पर रहने लायक नहीं है 16 साल बाद ये स्थिति है। तो माननीय दिग्विजय सिंह जी प्रशासन की ना ही चर्चा करें तो अच्छा है। हम भूल गए हैं कि सड़क में गड्ढा की गड्ढे में सड़क की गड्ढे में गड्ढा क्या था, तो प्रशासन क्या होता है ये हम सब ने देखा है उनके काल में। बिजली कहाँ थी और किस तरह से थी, जनरेटर को चलाने के लिए भी, इन्वर्टर को चलाने के लिए भी हमारे को एक इन्वर्टर लगाना पड़ता था, तो वो दिन भी देखे हैं साहब। और मध्यप्रदेश भूला नहीं है, जनता भूली नहीं है, हम सब ने वो बहुत खराब दिन देखे हैं, इसलिए वो ना भूले तो बहुत अच्छा है। और दिग्विजय सिंह जी कांच के घरों में रहने वाले, मेरे ख्याल पत्थर ना फेंके तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए अमित जी, कांच के घरों में रहने वाले पत्थर ना फेंके, आपको क्यों लग रहा है कि वहाँ गड़बड़ी है? वो तो तैयारियां कर रहे हैं और आपके प्रवक्ता भी हम सुन रहे थे, कह रहे थे कि वहाँ कुछ सब कुछ ठीक नहीं है इसलिए सक्रियता दिखा रहे हैं। तो आपके यहाँ सब कुछ ठीक है इसलिए आपके नेता सक्रिय नहीं है, ट्विटर पे ही नजर आते हैं बस? देखिए, सबसे पहले तो मैं दिव्या गुप्ता जी की बात का जवाब दूं। उन्होंने कहा कि एक नायक पिक्चर आई थी और उसमें जो है वो ऐसा लगता था लोगों को कि ये सिर्फ फिल्मों में हो सकता है, लेकिन ये लोग शायद ये भूल गए कि नायक के पहले एक और पिक्चर आई थी, उसका नाम था खलनायक। तो जब इतनी सारी मीटिंगें करने के बाद और जैसे इनके प्रवक्ता बयान देते हैं कि
मुख्यमंत्री जी जो हैं लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। इतना काम करने के बाद आप सोचिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन जो NCRB है उसकी रिपोर्ट आई है मध्य प्रदेश के बारे में, आदिवासियों पे अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर वन है, बाल अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर वन है। दिव्या गुप्ता जी मेरी बहन है, महिला अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, नायक पिक्चर से प्रेरणा ली है, खलनायक पिक्चर से प्रेरणा ली है? और रही बात, ऐसी कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ गई कि मेरी जानकारी के अनुसार जितने मंत्रियों की मीटिंग थी उनको हेलीकॉप्टर से बुलवाया गया? भाई हर हफ्ते जो है वो कैबिनेट तो होती है। हाँ, और रही बात, सवाल उठना लाजमी है क्योंकि आप ब्रजेश जी काफ़ी समय से मध्य प्रदेश को कवर कर रहे हैं, और चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, सबकी अंदरूनी राजनीति से आप वाकिफ हैं। हर महीने हर हफ्ते ऐसा इनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं उन्हीं से जब अंदरूनी तौर पर बात करो तो बोलते हैं बस बस एक हफ्ते और एक हफ्ते बाद जो है वो नंबर लगने वाला है मध्य प्रदेश का भी। तो कहीं ना कहीं कुछ होता है, इसलिए ये चर्चाएँ उठती हैं, क्योंकि हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि इस बार जो मध्य प्रदेश की सरकार है, इस बार जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, ये अब सामान्य मुख्यमंत्री नहीं है। जिस तरीके से पिछले 3 बार से जो है वो फुल कंफर्टेबल जोन में थे और जितनी चाहे खुल के बल्लेबाजी करते थे, अब उन पे जो है वो दिल्ली की लगाम है, ये सब लीज से ये सभी लोग जानते हैं। अब रही बात, हम अफसरशाही की बात करते हैं, और आप देखिए कि इनकी जो वरिष्ठ नेता हैं, शिवराज जी से पहले जो मुख्यमंत्री थी, बहुत वरिष्ठ हैं, शिवराज जी से काफ़ी वरिष्ठ हैं उमा भारती जी, उनको आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ता है भाई मध्य प्रदेश में कि नौकरशाहों को सत्ता पक्ष भ्रष्ट नेताओं से बचकर रहना चाहिए? आखिर ऐसा बयान क्यों देने की ज़रूरत पड़ गई उमा जी को? और वो एक तरफ जो कहती हैं कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, वो तो हमारी चप्पल उठा के चलती है, एक तरफ शिवराज जी जो हैं वो स्टेज पर नौटंकियां करते हैं, ये आदिवासियों के सम्मान की बात करते हैं, और जबलपुर में जब इनके गृह मंत्री आते हैं तो एक आदिवासी मंत्री का किस तरीके से अपमान किया जाता है, उनको सभा के अंदर घुसने नहीं दिया जाता। 23 को लेकर दिख रही हो, लेकिन कांग्रेस की सक्रियता कहाँ है? आपके अध्यक्ष कहाँ हैं? आपके कार्यकारी अध्यक्ष कहाँ हैं? आपके यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है इसलिए सक्रिय नहीं है? मध्य प्रदेश में बहुत समय बाद जी, मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी संपूर्ण मध्य प्रदेश में सर्वमान्य नेता हैं, सारे विधायकों के, सारे कार्यकर्ताओं के एकमात्र यदि कोई नेता हैं तो वो माननीय कमलनाथ जी हैं। और आपको याद होगा कि दमोह चुनाव के पहले भी आप सब ये बातें करते थे कि हमारी क्या तैयारी है क्या तैयारी नहीं है, लेकिन दमोह उपचुनाव में कमलनाथ जी ने और हमारी कमलनाथ जी सर्वमान्य नेता हैं, तो अजय सिंह के लिए भी मान्य नेता हैं, वो तो विरोध कर रहे हैं अब जब से लगातार। नहीं, अजय सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन तो पूरी नहीं है। पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट है, उसमें हमारे अजय सिंह जी भी हैं, उसमें हमारे अरुण यादव जी भी हैं, उसमें हमारे जयवर्धन सिंह जी भी हैं, उसमें हमारे सज्जन सिंह वर्मा जी भी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहती रहे, लेकिन इनको ये बात मालूम है कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो दमोह उपचुनाव हुआ था उसमें पूरी की पूरी सरकार लगी थी, पूरा इनका संगठन लगा था, पूरे इनका प्रशासन लगा था, लेकिन किस तेजी से जो है वहां पे कांग्रेस को विजय श्री प्राप्त हुई है इतने बड़े अंतर के बाद, मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को और इनके मुख्यमंत्री जी जो हैं वो हवा हवाई जो स्टेज पर बुलाकर इस तरीके के अधिकारियों को डांटना पीटना, ये सब साफ जनता जानती है क्या क्या होता है आपके जाने के बाद क्या होता है। क्योंकि आप देखिए, उपचुनाव की यदि हम बात करें तो जो दमोह में ये लोग घोषणा करके आए थे शिवराज जी, क्या आज पलट कर देखने गए क्या वहाँ पर कि दमोह में मैंने क्या क्या घोषणाएं करी थी? भले ही जनता ने आपको हरा दिया हो, लेकिन आप तो पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वहाँ जो घोषणाएं करके गए थे आप पलट कर देखा आपने? बिल्कुल, चलिए जवाब ले लेंगे दिव्या जी से। दिव्या जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, सूर्यकांत जी से कमेंट्स ले। सूर्यकांत जी, भाजपा में बैठकों का दौर चलता रहता है, अभी भी चल रहा है, तो इनको जो बैठकों का दौर चल रहा है उनको किस नज़रिए से आप देखते हैं, इनके पीछे क्या देखते हैं? और जो बार बार समन्वय की बात आती है, जिस तरह से CM हाउस में अभी बैठक हुई और वहाँ पर शिकायत हुई कि इंदर सिंह परमार के स्टाफ ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया,
तो बार बार जो नसीहतें दी जाती हैं, चाहे वो प्रदेश प्रभारी द्वारा दी जा रही हों, चाहे सीएम द्वारा दी जा रही हों या संगठन द्वारा, उनका पालन नहीं हो रहा। जिस तरह कहा गया है कि आपको जिलों में जाना है, दो दिन वहाँ बिताना है, लेकिन मंत्री सुनवाई नहीं कर रहे। कोरोना का प्रभार दिया गया था मंत्रियों को, लेकिन वो कोरोना वाले जिलों में नहीं गए थे। तो कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। आपके नज़रिए से क्या है कि दुरुस्त करने की ज़्यादा ज़रूरत है अभी भाजपा को? देखिए चौकसे जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज जी का एक रूप देखा जाता है, लोग मानते हैं कि वो सहज सरल और सादगी प्रिय मुख्यमंत्री हैं। इस सब के बाद भी अगर उन्हें मंत्रियों को इस तरह की नसीहत देनी पड़ रही हो, अफसरों को सार्वजनिक रूप से नसीहत देनी पड़ रही हो, तो इसके अर्थ तो निकाले जाएंगे जी। और इससे समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अब दूसरी बात जो आपने कही है समन्वय वाली बात, तो समन्वय का आपको इससे अच्छा क्या उदाहरण बताऊं मैं कि विधायकों को तबादलों के समय परेशान होना पड़ा और उनके काम हुए नहीं, और यही वजह है कि कई विधायकों ने बाद में तबादलों पर प्रतिबंध लगने के बाद सार्वजनिक रूप से अपनी इस वेदना का इजहार भी किया है। तो समन्वय सत्ता और संगठन में कहना बहुत अच्छी बात लगती है। कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस भी यही कहती थी, भाजपा की सरकार है तो भाजपा भी यही कह रही है। हाँ, यह अंतर जरूर है कि कांग्रेस की तुलना में भाजपा की बेहतर स्थिति है, सत्ता और संगठन दोनों में कही जा सकती है। लेकिन सत्य बात यह है, इतनी बेहतर स्थिति होने के बावजूद 2018 के परिणाम हमने देखे थे ना। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, सत्ता और संगठन में समन्वय की बात छोड़ दें, अगर आप मंत्रियों की बात करते हैं तो मंत्री आप देखिए 2018 के चुनाव में कितने मंत्री हारे थे शिवराज सरकार के। अगर वो मंत्री चुनाव जीत गए होते तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती और भाजपा की सरकार को 15 महीने तक इंतजार नहीं करना पड़ता और ऑपरेशन कमल नहीं चलाना पड़ता। और आपको इसके अलावा और चीज बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में अब उपचुनाव जब आ गए हैं तो भाजपा ने सत्ता और संगठन ने मिलकर जिस तरह से दायित्व सौंपे हैं पदाधिकारियों को और मंत्रियों को, 1 माह से अधिक का समय हो गया है, मंत्री कितनी बार उन इलाकों में गए हैं, उन इलाकों की समस्याओं का कितना सॉल्यूशन हुआ है, वहां के कार्यकर्ताओं के बारे में कितना फीडबैक उन्हें अच्छा मिला कितना बुरा मिला, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, सब के सामने है। अगर मंत्री लगातार जाते कार्यकर्ताओं की बात हम देख रहे हैं कि प्रदेश प्रभारी पृथ्वीपुर रेगांव में भी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बैठक लेते हैं और फीडबैक लेते हैं, वैसी तैयारियां तो कांग्रेस में हमें नजर नहीं आ रही। यहां तो कमेटियां बना दी है और 13 कमेटियां बनाई, एक एक कमेटी में 3-3 मंत्री रख दिए, तो ये तो चुनावी मूड में दिख रहे हैं, कुछ करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, कांग्रेस जब से दमोह उपचुनाव जीती है उसे लग रहा है कि उनके पक्ष में पूरा माहौल है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पेट्रोल में दाम बढ़े हुए हैं, डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, महंगाई को लेकर लोग आक्रोश है। लेकिन ऐसा नहीं है, लोगों दमोह का जो उपचुनाव हुआ था वो लोगों ने स्वयं लड़ा था, वो कांग्रेस वर्सेस भाजपा नहीं था, वो भाजपा वर्सेस जनता था, उसकी वजह थी। क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने कांग्रेस के एक विधायक को लाकर उसे अपनी तरफ से प्रत्याशी बनाया था, वो उसका विरोध था, और वहां पर एक बड़े 57 नेता भाजपा के जयंत मलैया जी का टिकट काटा गया था, तो लोगों में एक वो भी आक्रोश था। तो उस आक्रोश की परिणति यह हुई कि कांग्रेस भाजपा के जितने से कभी जयंत मलैया जी नहीं जीते उतने से ज्यादा हार हुई है। खैर दिव्या जी, आपको डर कांग्रेस से नहीं होना चाहिए, आपको डर तो जनता से होना चाहिए। यदि सूर्यकांत जी की बात हम माने तो दमोह में आपको जनता ने हराया था, तो आगे का चुनाव भी यदि बाकी मुद्दों पे लड़ा गया, भले ही कांग्रेस सुस्त हो, तो आपकी सीधी लड़ाई जनता से, तो जनता को खुश करने के लिए मंत्र दे रहे हैं मतलब शिवराज जी। देखिए जनता से ब्रजेश जी, जनता से कभी लड़ाई नहीं, किस बात की लड़ाई, जनता तो अपनी है, वो तो अपनी लाडली जनता है और उनका लाडला मुख्यमंत्री है, तो उनसे क्या लड़ाई लड़ना। और कांग्रेस तो जैसा कि आपने कहा कि वाकई लड़ाई के लायक कहीं दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं देता, तो कहां की लड़ाई, ऐसा कोई दुश्मन हो जिसको हम दिखाई भी दे तो वैसा तो कोई दिखाई भी नहीं देता कहीं पे भी। जैसा आपने कहीं सही कहा कि वो एक कमरे में बैठ के ट्वीट वॉर करते रहते हैं, और वो ट्वीट वॉर से नहीं जीता जाता सब चुनाव, चुनाव होता है जो जमीन पे कार्यकर्ता जाके लड़े। इस कांग्रेस में अब ना वो मादा रहा है, ना उनमें वो विजन है, ना वो ताकत है, ना मिशन है, ना वो कार्यशैली है, ना कार्यक्षमता है। तो इन सब चीजों की जब बहुत कमी होती है तो बहुत ही एक कंफ्यूज सी पार्टी है, जहाँ पे जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जाए कहाँ। केंद्र का समन्वय स्टेट के साथ नहीं है,
इन सारे जितने स्टेट के नेता है उनको लावारिस छोड़ा हुआ है, केंद्र का कोई व्यक्ति आके इनके सुध नहीं लेता है, कोई इनसे आके कभी चर्चा नहीं करता है, ना इनको कभी बुलाया जाता है। तो किस तरह की पार्टी है ये, क्या इसका समन्वय है, क्या संगठन की बात करेंगे ये लोग? और आपने जो एक चर्चा करी थी कि अजय सिंह जी के साथ, अब कमलनाथ जी और अजय सिंह जी, कमलनाथ जी लगे हुए अजय सिंह जी के पर आक्षेप लगाने क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी के दो नेता क्या चले गए फूल सौंपने। अब दिग्विजय सिंह जी फूल सौंपने गए थे, क्या पता नीचे कितने कांटे थे, किसने देखे, क्योंकि उनका तो उनकी तो शैली ऐसी है कि ऊपर से फूल हो नीचे कांटे हो, पकड़ा गुलदस्ता और कांटे कितने चुभा दिए पता ही नहीं चलता। तो ये तो ये बात है, तो समन्वय तो इनके इनके कांग्रेस को कहीं लगाया, कांग्रेस कहने लगी है कि दिग्विजय सिंह जी आते हैं तो वोट नहीं मिलते हैं, ऐसा खुद दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं, तो उनको पता है। और इंटरेस्टिंग बात ये कि बेचारे आज अजय सिंह जी हैं जो अपने सारे के सारे वो सफाई देने में लगे हुए हैं कि साहब मैं तो कांग्रेस का ही आदमी हूं। दिव्या जी, आप कांग्रेस की चिंता कर रही हैं, चिंता तो आपको यहाँ भी करनी चाहिए ना। मैं आपको ये बता रही हूं, आपके यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति काम करता हुआ दिख रहा है, उसका नाम है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बाकी के मंत्री क्यों नहीं सुन रहे हैं, उनकी लगाम क्यों नहीं कसी जा रही? सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं। जैसा मैंने हमेशा कहा कि जो मुखिया होता है वो मुखिया हमेशा सर्वे सर्वा होता है, उसके पास सारा ध्यान आकर्षित होता है और वो अपनी टीम को लीड करता है, फ्रंटल लीड करता है, और ये फ्रंटल लीड कर रहे हैं माननीय शिवराज जी। तो जैसे वो लीडर समझाने के बाद भी कोई नहीं सुनता तो वो मुखिया कान भी खींचता है, तो कान खींचते भी तो दिखे, वो भी दिखना चाहिए, क्यों नहीं दिखना चाहिए, उसका भी हक है उनको। अगर कोई बड़ा अपने घर का बोलेगा कि काम करो और नहीं होगा तो फिर उसको कान खींचने का भी हक है। तो इसलिए सब तरह की है, परिवार है, उस परिवार को लेकर चल रहे हैं, लेकिन उस परिवार में कहीं पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, जैसा कि यहाँ गुटबाजी चलती है कांग्रेस में। इसलिए मैंने कहा कि हमको कांग्रेस की चिंता नहीं, हम तो सतत अपना काम करने में लगे हुए हैं, और जैसा आपने कहा कि जनता के बीच में, इसलिए आपके दो मंत्री आग लगाने पहुंच जाते हैं ठीक ठाक ना हो जाए वहां पे, भड़काते रहो इनको। नहीं, ये गलत बात, बिल्कुल गलत बात, ये बिल्कुल गलत बात है अमित जी। उनके यहाँ तो सब ठीक ठाक है और वो कान खींचना भी जानते हैं और व्यवस्था बनाना भी जानते हैं। आपके यहाँ कब बनेगी व्यवस्था? देखिए, हमारे यहाँ तो शुरू से व्यवस्था है, और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जब 130 साल पुरानी पार्टी को, एक 30 साल पुरानी पार्टी के नेता बड़ा ज्ञान देते हैं चुनाव जीतने का। इस देश में 60 से ज़्यादा साल जो है वो लोगों ने, जनता ने, दिव्या जी सुनिए तो, मैंने कितने अच्छे से सुनी आपकी बात, आप मेरी बड़ी बहन हो, मैंने कितने अच्छे से आपकी बात सुनी, मैंने कितने अच्छे से आपकी बात सुनी, कितने सम्मान से आपकी बात सुनी, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र है, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे, शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव हारे, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और हम तो चाहते हैं कि शिवराज जी जो हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से अदाकारी और कलाकारी की राजनीति करते रहें, और जैसा कि आपने कहा दूर दूर तक नहीं दिख रही, तो हमारी ईश्वर से यही कामना है कि बिल्कुल दूर दूर तक ना दिखे, लेकिन जनता इसी तरह दमों की तर्ज पर चुनाव जो है वो कांग्रेस को जिताती रहे। और हमारे यहाँ अजय सिंह जी की जिस तरीके से बात करी है, दमों का जनता ने नाराज होकर चुन लिया, तो दमों का कोई मॉडल है आपके पास? जनता मॉडल है, तो आप यही चाहते हैं कि जनता नाराज होकर आपको कुर्सी दे दे, बस आप कुछ नहीं करेगी, कांग्रेस कुछ नहीं करेगी? देखिए, आप ये कैसे कह सकते हैं, जैसे कि हम अजय सिंह जी की बात ले लेते हैं, अभी मेरी बहन ने कहा कि अजय सिंह बोलते हैं ऐसा वैसा, अजय सिंह जी ने तो कभी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, और पिछले एक महीने में चार बार कमलनाथ जी और अजय सिंह जी की बैठक हो चुकी है, आप निश्चिंत रहिए, दोनों की मीटिंग का परिणाम आपको रैगांव चुनाव हार कर मिलेगा। उन्होंने स्पेशली ब्रेकिंग न्यूज़ ट्वीट करके कहा है कि मैं कांग्रेस का था, कांग्रेस का हूँ, क्योंकि कमलनाथ जी ने नाराजगी व्यक्त करी कि भाजपा के नेता क्यों चले गए आपको गुलदस्ता देने। देखिए, मैं तो कांग्रेस मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ और माननीय कमलनाथ जी मेरे नेता हैं, मेरे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है कि वो नाराज है, वो तो जब दोनों की बैठकें होती है। लेकिन आप लोग कभी अरुण यादव जी के ऊपर डोरे डालने लग जाते हो, आप लोग कभी जो है अजय सिंह जी के ऊपर डोरे डालने लग जाते हो, आप लोग को तो हम लेंगे ही नहीं, आप लोग चिंता करो अजय बिश्नोई जी की, आप लोग अजय बिश्नोई जी की चिंता करो, आप लोग नारायण त्रिपाठी जी की चिंता करो, आप लोग इन दोनों तीनों कईयों नेताओं की चिंता करो, आप अजय बिश्नोई जी की चिंता करो, नारायण त्रिपाठी जी की चिंता करो, विंध्य क्षेत्र के कई विधायक हैं आपके जो नाराज चल रहे हैं, आप उनकी चिंता करो जो खुलेआम ट्वीट करते हैं,
खुलेआम ट्वीट करते हैं, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ ट्वीट करते हैं। चलिए अमित जी, दिव्या जी, तो आप जो है कांच का घर जो है वो आपका है, कांच का घर हमारा नहीं है, कांच का घर आपका अपना। फाइनल कमेंट के लिए सुरकांत जी के पास जाऊंगा। सुरकांत जी, जो बैठकें चल रही हैं, बैठकों का असर भी होता है, ये नसीहतों का असर हम आगे होते हुए देखेंगे या फिर बैठकों का दौर ऐसे ही चलता रहेगा, पहले की नसीहतों का कुछ नहीं हुआ आगे भी कुछ नहीं होगा? नहीं, इस बार नसीहतों का असर देखने को मिलेगा। उसकी वजह यह है कि सीधा का सीधा केंद्रीय नेतृत्व नजर रखे हुए प्रदेश प्रभारी हों और भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हो, वो लगातार डेरा डाले हुए हैं और वो उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जा रहे हैं। लेकिन मूल बात यह है कि आखिर भाजपा को यह चिंतन मनन जरूर करना चाहिए कि आपकी मध्य प्रदेश में पिछले 3 टर्म सरकार रही और 4th टर्म अभी सरकार कर रही है, आखिर यह वजह क्या है कि आपके कार्यकर्ता नाराज हैं और चुनाव के समय कार्यकर्ता उतने मन से काम नहीं करते हैं। आप देखिए पिछले बार क्या है, आपके कार्यकर्ता नाराज हैं और उनको शांत कैसे करेंगे जिस तरह से कवायद चल रही है, आला कमान भी देख रहा है और प्रभारी भी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बैठक कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो इससे परिणाम भी निकालेंगे और वो शिकायतें भी देखेंगे। बहरहाल आप समय इजाजत नहीं देता, इसलिए आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो बैठ के करना, नसीहत देना सब अच्छा है, लेकिन जब इन पर अमल ना हो तब सिर्फ कह देने भर से या फटकार लगाने भर से कुछ नहीं होगा, आपको ठोस एक्शन लेना होगा, वरना अफसर भी आनंद दिखाते रहेंगे और मंत्री विधायक भी। असल आनंद जनता महसूस करे ऐसी व्यवस्था करना चाहिए, तब कहीं स्वराज का सपना पूरा होगा। मुद्दा तो है, मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए याद और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।